जय श्री कृष्णा। सभी मित्रों को मेरी यूट्यूब चैनल सृष्टि ज्ञान में सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। हम सभी जानते हैं हनुमान चालीसा की चमत्कार के बारे में। हनुमान चालीसा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना। जैसे आपको मकान वाहन का सुख प्राप्त करना हो, समाज में मान सम्मान कम हो उसको बढ़ाना हो, रोजगार नहीं मिल रहा हो, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही हो, या रोजगार आप चौतरफा चारों दिशाओं से मुनाफा कमाना चाहते हो, नाम करना चाहते हो, कोई भी शारीरिक समस्या हो, शत्रुओं से परेशान हो, रोग रिपु ऋण कर्ज हर तरीके का समाधान मिल जाएगा। आपकी शारीरिक मानसिक हर तरीके की समस्याएं हमेशा के लिए दूर। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से यदि आप हनुमान चालीसा को 108 बार पढ़ते हैं नियम से, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ध्यान से सुनिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है रात्रि में 12 बजे से शुरू करनी है, स्नान आदि से निवृत्त होकर। ये शर्त है रात को 12 बजे से शुरू करनी है। 108 हनुमान चालीसा 4.5 या 5 घंटे लग सकते हैं। ये आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करना है नियम से। अब कहीं भी हो, जहां आपने शुरू की है वहीं आपको आगे करनी है। ग्यारह बार आप लगातार अगर इसी नियम को कर लेते हैं और आप 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हर तरीके की तरक्की आपको मिलेगी, असंभव भी संभव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हनुमान जी नियम के पक्के हैं, याद रखिएगा। नियमितता निरंतरता उनको पसंद है, छोड़ना नहीं है। पहले लायक बनोगे आप 108 हनुमान चालीसा पढ़ने के, फिर देखिए उसका जो चमत्कार होगा अद्भुत होगा, विलक्षण होगा, सब कुछ मिलेगा। आपके सामने कोई नहीं टिक सकता। वाणी अमोघ, वाक सिद्धि, अद्भुत तेज, पराक्रम, कर्जन ऐसे गायब हो जाएगा चुटकियों में। सिर्फ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, मतलब अमावस्या से पहले वाली रात को बता रहा हूं मैं, स्नान आदि करके 12 बजे शुरू कर देना है। आप तेल का दीपक जला सकते हैं, घी का दीपक जला सकते हैं, कोई बात नहीं, दीपक की अगर सुविधा नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर आराम से पढ़िए, हिलना नहीं है। जो भी हो, गुड़ आदि का भी भोग लगा सकते हैं, ओट आदि का भोग लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालिए, 11, 21, 51 धीरे धीरे 108 पे पहुंच जाएंगे। और कहीं पे भी आपको पढ़ना जरूरी है बस, खाली फिर देखिए आपको 108 हनुमान चालीसा कहां से कहां पहुंचाते हैं। 11 बार पढ़ना है, और जो पढ़ते होंगे उनको पता है क्या मिल गया उनको। आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप शुरू कर दीजिए। अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष आएगा तो आप कीजिए, फिर इसका चमत्कार देखिए।
आपके जीवन में से सुख चला गया था, कैसे लौट के आता है? हर चीज मिलेगी, हर चीज, शादी को छोड़कर हनुमान जी शादी नहीं करवाते। तो बस आपको पाना है तो आप भी तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए। और इस वीडियो को आप जो भी हनुमान चालीसा पढ़ता हो, पिता हो, भाई हो, बेटा हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उसको आप शेयर कीजिए। आप खुद हो, खुद भी कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। नियम तो आप सभी जानते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारिता होनी चाहिए, बस इतना कीजिए, फिर देखिए इसका जीवन चमत्कार। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, ज्ञान अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, परिवार की संख्या बढ़ाइए। फिर और नए अद्भुत ज्ञान लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।